नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का सनातन ज्ञान में। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बरगद की जड़ के बहुत ही अचूक उपाय रावण संहिता में बताए गए हैं, जिसकी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। ध्यान रखना, ये रावण संहिता की जो भी हम जानकारी दे रहे हैं, ये कोई भी गृहस्थ कर सकता है, यानी कि कोई साधक की जरूरत नहीं है। कोई साधक ऋषि मुनि वाले उपाय हम आपको नहीं बता रहे हैं। केवल और केवल जो संसारी है, जो अपने जीवन में सुख चाहता है, संपदा चाहता है, वो ही इस उपाय को कर सकता है। देखिए, बहुत ही आसान से ये उपाय हैं। ये जानकारी बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि रावण संहिता एक ऐसा प्राचीन ग्रंथ है जो हमारे जीवन को सुखमय बना देता है, और अनेक साधन और अनेक प्रयोग जो इसमें हैं, वो अगर आप कर लेते हैं तो आपका भाग्य उदय में आ जाता है। बरगद की जो जड़ होती है, उसे पहनने से व्यक्ति धनवान बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बरगद की जड़ के कुछ विशेष उपाय बताएंगे कि बरगद की जड़ आपको कब लानी चाहिए, कैसे लानी चाहिए, किन विधि में लानी चाहिए, क्या विधि आपको करना चाहिए, घर में कहां पर रख सकते हैं, घर में किस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ता है, किस प्रकार से आपको सिद्धियां होती हैं, साथ ही साथ आपके घर में किस प्रकार से धन का आगमन होता है, सब इस वीडियो के अंदर हम आपको विस्तार से बताएंगे। पूरी जानकारी, पूरी वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जानकारी आपको ऐसी मिल जाए जो आप करके आप धनवान हो जाए। देखो, रावण जो है वो बहुत ही विद्वान थे, इसलिए रावण ने अपनी किताब रावण संहिता में गरीबी मिटाने के कई उपाय बताए हैं। कंगाल भी, जो कंगाल की कगार पर अगर है, वो भी धनवान बन सकता है। धन प्राप्ति करने के अनेक साधन बताए गए हैं। ध्यान रखना, अगर आपके भाग्य में धन का उदय होता है तो कहीं से भी आपके जीवन में धन का आगमन होकर ही रहेगा। यानी कि अगर आपके जीवन में धन का आगमन होगा तो कहीं से भी आपके जीवन में धन आ ही जाएगा। इसीलिए आज ये रावण संहिता के कुछ ऐसे उपाय हैं जो आप करते हैं ना, तो आपके जीवन में भाग्य का उदय होता है। कहीं ना कहीं से आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष जानकारी रावण संहिता के आधार पर बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि आप उपाय कर लें और पुरुषार्थ ना करें, उपाय के साथ साथ आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। देखिए, कुछ जानकारी धर्मशास्त्र के अनुसार भी बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान रखना। अगर आप पहली बार सनातन ज्ञान के इस चैनल पर आए हैं, तो आज ही अगर सच्चे सनातनी हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन के समस्त दुखों को दूर करने के लिए हमने ये चैनल बनाया है, ताकि आप सनातन धर्म के विशेष उपायों का लाभ उठा सकें। देखिए, सर्वप्रथम जानते हैं कि बरगद की जड़ आपको कब लानी चाहिए। देखिए, जब आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, कोई भी समस्या का आपका समाधान नहीं हो पा रहा है, किस्मत भी आपका साथ नहीं दे रही है, भाग्य भी आपका साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे समय में आपको पितृ पक्ष अगर चल रहा होगा तो उस समय आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। तो आप ये उपाय विशेष ध्यान रखना कि पितृ पक्ष को छोड़ करके आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं, कभी भी आप जड़ लेकर के आ सकते हैं पितृ पक्ष को छोड़ करके, तो बरगद की जड़ आप ला सकते हैं। देखिये, पेड़ पौधों के बारे में हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि कई पेड़ पौधे होते हैं जिसमें देवी देवताओं का वास होता है। वनस्पति शास्त्र में भी अगर देखें तो बरगद के पेड़ में साक्षात भगवान शंकर और माता पार्वती का वास माना जाता है। उनका स्वरूप ही बरगद का पेड़ होता है। तो ऐसे बरगद के दिव्य पेड़ की जड़ आपको लेना है, साथ ही साथ आपके पितरों का भी स्थान माना जाता है। तो सबसे पहली बात, देखिए, बरगद की जड़ आपको कब लानी चाहिए, जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो, तब अगर आप बरगद की जड़ लाते हैं तो सर्वोत्तम होता है, पहली बात। दूसरी बात, विशेष पर्व जैसे होली हो गई, तो होली पर पूर्णिमा होती है, तो आप जब भी जड़ ला सकते हैं। अमावस्या की रात, अमावस्या के दिन यानी कि दीपावली के दिन भी आप बरगद की जड़ लेकर के आ सकते हैं। शुक्रवार के दिन भी आप बरगद की जड़ लेकर के आ सकते हैं। रविवार को छोड़कर आप किसी भी दिन जड़ लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अगर विशेष शुभ तिथियों पर लाते हैं, जैसे पूर्णिमा हो गया, अमावस्या हो गया, पुष्य नक्षत्र हो गए, तो ऐसे शुभ और दुर्लभ योग में लेकर के आते हैं तो सर्वोत्तम होता है। देखिए, करना क्या है, आपको आपके घर से एक सफेद रंग का वस्त्र लेकर के जाना है, चौकोर एक सफेद रंग का वस्त्र ले लें। और आपको क्या करना है, जब भी आप ये उपाय करेंगे, जब भी आपको बरगद की जड़ लेकर के आनी है, तो जिस भी पेड़ से लेकर के आ रहे हैं, आपके घर के पास में जो भी नजदीक में जो भी बरगद का पेड़ हो, आपको क्या करना है, जिस दिन आप ला रहे हैं, जैसे पूर्णिमा के दिन ला रहे हैं, तो पूर्णिमा के पहले यानी कि चतुर्दशी तिथि के दिन आपको उसी बरगद के पेड़ के वहां पर शाम को जाना है, एक गोल बाती का दीपक लगाना है
और उसी बरगद के पेड़ के वहां पर आपको विनंती करना है, आपको निमंत्रण देना है कि मैं कल आऊंगा और आपकी ये जो दिव्य जड़ है मेरे जीवन की सारी समस्या दूर करेगी, इसीलिए ये जड़ लेकर के जाऊंगा। मेरे जीवन में जो भी समस्या है, धन की समस्या है, आप मेरी ये गरीबी मिटा दें, मेरे जीवन से जितना भी शत्रुओं का भय है, शत्रु जितने भी मेरे पीछे पड़े हैं उनका भी क्षय हो जाए। ऐसे दिव्य आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे शत्रु मेरे को कभी भी हानि ना पहुंचाए। तो ऐसी दिव्य जड़ लेने से पहले आपको बरगद के पेड़ को निमंत्रण देना है, पहले उनसे अनुमति मांगना है, अनुमति मांगना है बोल करके, शुभ भाव से आपको आपके भाव प्रकट करने हैं और उसके बाद ही अगले दिन यानी कि आपको बरगद के पेड़ की जड़ लेकर के आनी है। कैसे लेकर के आएंगे? सफेद चौकोर कपड़ा लेकर के जाना, ठीक है, एक गोल बाती का दीपक लेकर के जाना जिसके अंदर घी भरना है और इस दीपक को सबसे पहले प्रज्वलित करना और वहां पर क्या करना, बरगद की पेड़ की जो जड़ है वो आपको लेना है। लेकिन ध्यान रखना, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले पहले आपको ये उपाय कर लेना है। अगर सूर्यास्त के बाद करते हैं तो आपको दोष लगता है और उल्टा इसका प्रभाव भी आपको देखने को नहीं मिलता है, तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। आप जड़ लेकर के आ जाए, थोड़ी सी ही जड़ आपको लेकर के आनी है। अब ये जो जड़ लेकर के आएंगे आप सफेद कपड़े में बांध करके, आप सीधे आपके घर में आ जाएंगे। ये जो जड़ है इस जड़ को निकालना और अगर गंगा जल हो तो गंगा जल के अंदर इस जड़ को रखना, शुद्ध करना, गंगा जल से शुद्ध करना और गंगा जल से स्नान कराने के बाद, अगर गंगा जल नहीं है तो शुद्ध जल से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से भी आप इसका स्नान करा सकते हैं और उसके बाद शुद्ध जल से साफ करके इनके ऊपर आपको कुमकुम लगाना है, कुमकुम की एक टीकी लगाना है, अक्षत आपको थोड़े से अक्षत रखना है, धूप करना है, दीप करना है और घी का दीपक जलाना, गोल बाती का ही दीपक होना चाहिए। और उसके बाद क्या करेंगे अंत में, ये जो सफेद कपड़ा है, इस ये सफेद कपड़ा भी ले सकते हैं, लाल कपड़ा भी, अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो इस जड़ को आपको लाल कपड़े में रखना है। और उसके बाद क्या करना, आपको लेना है कोड़ी, ध्यान रखना 5 कोड़ी आपको इसके अंदर बरगद के पेड़ की जड़ के पास में 5 कोड़ी रख करके कि आपको पोटली बना देना है और ये पोटली आपको आपके घर में धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। मात्र और मात्र ये उपाय करने से आपके जीवन में धन का ऐसा आगमन होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये पोटली आप आपके घर के मंदिर में भी रख सकते हैं या तो आप आपके घर पर धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये पोटली रखने का समय क्या होगा, पोटली रखने का समय होगा सूर्यास्त के बाद। ध्यान रखना इस बात को, बिल्कुल विधि को समझना, विधि के हिसाब से ही आपको ये उपाय करना है। तो देखिए इस प्रकार से ये उपाय कर सकते हैं। ये पोटली आप कम से कम 5 से 7 साल आपको अवेयर के रखनी है और उसके बाद पूर्णिमा पर आपको ये प्रवाहित कर देनी है जल में, बहते हुए जल में। देखिए दूसरा उपाय, बरगद के पेड़ में भगवान शिव का वास माना जाता है, ये स्वरूप ही माना जाता है भगवान शिव का। देखिए कई जगह होते हैं बरगद के पेड़ के नीचे शिवलिंग होता है जिसे वट वृक्ष कहते हैं, तो वट वृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का शिवलिंग होता है जो हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर के आता है। यदि आप कई दिनों से लंबे बीमार चल रहे हैं या आपके घर में भी बहुत लोग बीमार हैं तो ऐसी बरगद की जड़ लेकर के आना जिस बरगद के पेड़ के नीचे महादेव विराज रहे हों, और उसी बरगद की जड़ आपको लेकर के आनी है। बिल्कुल विनंती पूर्वक ही आपको जड़ तोड़ करके लेकर के आनी है, घर पर लेकर के आ जाए। जो भी व्यक्ति बीमार रहता हो, बहुत ध्यान से समझना, जो भी व्यक्ति बीमार रहता हो आपको क्या करना है, उसके हाथ में ये बरगद की जड़ देना है और उसके बाद शुद्ध जल से इनका स्नान कराना है और उसके बाद जहाँ कहीं भी वो शयन करते हैं तकिए के नीचे ये बरगद की जड़ उनको रखना चाहिए, इससे उनका रोग जो है वो दूर हो जाता है। यानी कि आपने बरगद की जड़ रखी, सुबह उठ करके स्नान आदि करने के बाद वो जो जड़ है वापस से गंगा जल से धोना है, वापस से रात्रि में आपको तकिए के नीचे रख करके सोना है, इससे जो उनका रोग है बीमारी है वो दूर होती चली जाती है। ये उपाय भी लगातार कम से कम 11 दिनों तक करना है, अंत में ये जो बरगद की जड़ है किसी भी नदी में आपको प्रवाहित कर देनी है। तीसरा उपाय, यदि आपके घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, घर में परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो आपको बरगद के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन आपको बरगद के पेड़ के नीचे गोल बाती का दीपक जलाना चाहिए। ध्यान रखना इससे आपके घर में कलह खत्म होता है और आपके विवाद जो रहते हैं, जो भी विवाद हो, चाहे कोर्ट के विवाद हो, चाहे आपके परिवार के विवाद हो, उनका भी अंत होता है। और साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके परिवार में एकता बनी रहे तो बरगद के पेड़ पर सोमवार के दिन आपको सफेद सूत का जो धागा है उसको लपेटना है 11 बार, अर्पण करना है, इससे आपके संबंध गहरे बनते हैं, तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। चौथा महा उपाय, शनिवार के दिन बरगद के पेड़ की जो जड़ है
उस पर आपको हल्दी लगाना है। हल्दी भी लगा सकते हैं, केसर भी लगा सकते हैं। पीसी हुई हल्दी जो आती है ना, उसके अंदर शुद्ध जल मिला करके हल्दी का लेपन करना है। यदि आपका व्यापार ढंग से नहीं चल रहा है, व्यापार में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, तो व्यापार में तरक्की के लिए, व्यापार में शुभ योग बनाने के लिए आपको हर शनिवार के दिन बरगद के पेड़ को स्पर्श करना है और उसमें हल्दी आपको लगाना है। तो हल्दी लगाने से आपके व्यापार में तरक्की होगी और आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी होगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं यदि आपका व्यापार मद्दा चलता है या व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है। पांचवी बात, यदि आपका व्यापार बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत प्रयत्न कर लिए, बहुत उपाय कर लिए, यदि आप हल्दी वाला उपाय नहीं करते हैं तो आप शनिवार के दिन, ध्यान रखना, हल्दी वाला जो उपाय करेंगे वो सूर्यास्त के पहले पहले कर लेना, ठीक है। अब ये जो उपाय है ये भी आपको शनिवार के दिन करना है, बरगद के पेड़ के वहां पर ही जाकर के करना है। लेकिन क्या क्या सामग्री लगेगी? एक पान का पत्ता, बहुत ध्यान से समझना, एक पान का पत्ता बिल्कुल हरा भरा, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। एक पान का पत्ते के साथ में लेंगे एक रुपए का सिक्का, साथ में लेंगे एक सुपारी। सुपारी गणेश जी का प्रतीक मानी जाती है, वो सुपारी आपको लेना है और आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं उसे दूर करने की प्रार्थना करके ये पान का पत्ता, एक रुपए का सिक्का और ये जो सुपारी है, ये आपको वट वृक्ष की जड़ में, यानी कि बरगद की जड़ में आपको रख देना है। आपके व्यापार में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो सब दूर हो जाएगी इस उपाय को करने से। तो बहुत आसान से ये दिव्य उपाय हैं। आज के ये जो उपाय हैं 100% सनातन धर्म से लिए गए हैं और ये आपके जीवन में उपकार करेंगे, ये आपके जीवन में फायदा जरूर करेंगे। इसलिए शुद्ध भाव के साथ, शुद्ध विधि पूर्वक आपको ये उपाय करना है। अगर सच्चे सनातनी है तो आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।